शाहरुख खान की जवान मूवी आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इसका काफी क्रेज था, तो कैसी है ये मूवी आइए जानते हैं। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। स्टोरी, जितनी भी लोगों ने प्रिडिक्शन लगाई थी वो सारी फेल होती है, लेकिन कुछ कुछ प्रिडिक्शन है जो कि पास होती है, जैसे विक्रम राठौर उसका बाप था, आजाद उसका बेटा था, और विक्रम राठौर ने कुछ ऐसा काम कर दिया था जिसने काली ने उसे मार दिया, उसका बदला बच्चा ले रहा है आजाद, और वैसा ही हमें फिल्म में स्टोरी में देखने को मिलता है। और इसी बीच आपको काफी ज्यादा एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस भी देखने को मिलेगा। फिल्म की अगर बेस्ट पॉइंट की बात कर ली जाए तो फिल्म का एक्शन टॉप क्लास है, इसके गाने भी काफी मजे देते हैं जो आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करते। फिल्म की स्टोरी एकदम ग्रिपी है जो कि आपका एंगेजमेंट बना के रखती है। फिल्म 3 घंटे की है लेकिन आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करती है। फिल्म की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पूरा काम शाहरुख खान के कंधों पर है और शाहरुख खान ने अपना काम काफी अच्छे तरीके से किया है, और डबल रोल्स भी, हाँ इसके अंदर डबल रोल्स हैं और ये क्लियर हो चुका है। फिल्म की अगर एक और अच्छी बात की जाए तो इसके अंदर कैमियोस जो कि एक संजय दत्त का और एक एटली का है, एटली का गाने में और संजय दत्त का एंड में, लेकिन उन दोनों के कैमियोस काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन भाई साहब जब जब शाहरुख खान की एंट्री होती है और जो BGM अनिरुद्ध का बजता है उसकी तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि हर एक BGM पे जो पब्लिक की तालियां आ रही थी और जो हूटिंग आ रही थी वो देखकर मजा आ रहा था। फिल्म में एक्शन कमाल का है, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन काफी बढ़िया है, लेकिन उसका जो फर्स्ट हाफ है वो काफी फास्ट पेस चलता है जो कि शुरुआत में समझना मुश्किल था, लेकिन अगर उसे और दिखाया जाता तो फिल्म काफी लंबी हो जाती, लेकिन फिल्म को और भी छोटा करने के लिए ऐसा किया गया होगा। और हाँ, ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, जितनी सारी आप एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो वो सारी फुलफिल होगी। एटली ने अपने डायरेक्शन से जो मास ऑडियंस को बना के रखा है वो इसमें भी झलकता है, जो इसके एक्शन सीन्स, इसका स्ट्रक्चर और इसके VFX, आपको एक भी चीज लोकल नहीं लगेगी क्योंकि VFX रेड चिल्ली ने किया है और वो काफी कमाल का है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नयनतारा, सुनील ग्रोवर, विजय सेतुपति, संजय दत्त, इन सभी ने अपना काम काफी बढ़िया किया है, लेकिन कुछ लॉजिकल पॉइंट्स थे जिनको देखा जा सकता था, बट फिर भी नॉर्मल ऑडियंस उतना ध्यान नहीं देती। और इसकी एडवांस बुकिंग जहां 7.5 लाख बताई जा रही थी वो भी काफी सही है, और इसका थिएटर एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है जो आपको थिएटर में देखकर काफी मजा आने वाला है। फिल्म की अगर कुछ वीक पॉइंट्स देखे जाए तो समटाइम इसकी जो स्टोरी है वो प्रेडिक्टेबल थी, कुछ म्यूजिक सॉन्ग सिर्फ स्टोरी में बढ़ाने के लिए गाए गए थे, और बाकी कुछ मुझे ऐसा इलॉजिकल या नहीं लगा। फिल्म काफी बढ़िया है जो थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहिए और आप इसे देखकर काफी मजा आएगा। फिल्म के डायलॉग्स भी काफी बढ़िया है और इसका BGM इस फिल्म को हाइप जरूर देता है, जो आपको थिएटर में एक बार जरूर देखना चाहिए। मैंने इस फिल्म को देखा और फुल एंजॉय किया। अगर आपने इस फिल्म को देखा है आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइए, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है उसे भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।